फाइनली वो दिन आ ही गया जिस दिन का हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, घर में एक रौनक बनी रहती है। तो आज आ चुके हैं हम सबके प्यारे गन्नू जी, तो आप सबको भी इनका वेलकम करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है स्थापना मॉर्निंग में कुछ टाइम था, उसी बीच जो है हम लोगों ने स्थापना करनी शुरू कर दी है। तो कैसे लगे हमारे प्यारे से गन्नू जी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद कहा जाता है कि चन्नामृत, गंगा जल, इन सब से स्नान कराना, कुछ इस तरीके से जो नॉर्मली ये मिट्टी के थे तो पूरा अच्छे से तो हम इन्हें नहीं करा सकते थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हमने इनको गंगा जल, पहले चन्नामृत, फिर गंगा जल, फिर गंगा, उसके बाद जो है हमने इन्होंने शहद होता है वो डाल के इनको अच्छे से वस्त्र पहनाए, इनका श्रृंगार किया सारा कुछ। तो यहाँ पे कृष्णा और कृष्णा के पापा जो है इनको फटाफट से रेडी कर रहे हैं और फिर इनको हम इनके स्थान पर स्थापना कर देंगे। बहुत अच्छा लगते हैं ये 10 दिन, बहुत ही रौनक बनी रहती है और बहुत ज्यादा मतलब बहुत ये वाले जो गन्नू जी है ना, ये बहुत ही प्यारे लगे थे सभी को, बहुत ज्यादा प्यारे लगे थे। जिसे बोलते हैं ना, एक चीज जब हम देख लेते हैं तो वो आंखों में बस जाते हैं। तो जैसे ही इस मूर्ति, हम वो मूर्तियां जब लेने गए थे तो इन्होंने इस तरीके से मतलब ऐसा लगा जैसे कि देखा और कहा चलो मुझे ले चलो, तो बहुत ही अच्छे लगे। तो बस यहाँ पे फटाफट से जो है इनको इनकी वस्त्र, इनके जनेऊ, इनकी माला वगैरह जो है इनको पहना देंगे, इनको तैयार कर देंगे, उसके बाद इन्हें इनकी जो स्थान पर जो है स्थापित कर देंगे। और मैंने बहुत छोटी सी, बहुत जल्दी जल्दी मैं थोड़े मतलब ऐसी डेकोरेशन करी है। तो आपको कैसा लगा स्थापना का जो स्थान है, जो डेकोरेशन है, भगवान जी का जो पंडाल है, मुझे बताइएगा जरूर। तो बस यहाँ पे हमने अपने गन्नू जी को जो है स्थापना कर दी है। उसके बाद जो भी इनकी पूजा होती है, कलश रखते हैं, वो सारा कुछ जो है यहाँ पे मैं कर दूंगी। तो कलश रखने से पहले कुछ हम लोग चावल के दाने डालते हैं, फिर यहाँ पे कलश की स्थापना करते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने ये सारा कुछ जो है, मैंने यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। पूजा होती है विधि विधान से, उसी तरीके से यहाँ पे जो है कृष्णा और कृष्णा के पापा जो है वो कर रहे हैं। अभी कृष्णा बहुत ज्यादा छोटा है तो उसको अभी बताना पड़ता है किस तरीके से, किस फिंगर से हमें जो है तिलक लगाना चाहिए या किस फिंगर से हमें क्या काम करना चाहिए, किस हाथ को हमें लगाना चाहिए। तो वही उसके कृष्णा के पापा जो है वो उसको बता रहे हैं, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। लास्ट ईयर का जिसने मेरा ब्लॉग नहीं देखा है उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इन 10 दिन मतलब वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है कि आरती का टाइम हो गया है, भगवान जी का भोग का टाइम हो गया है। इस टाइम वो सारा कुछ खुद अपने हाथों से ही करता है, उनका भोग लगाना, उनकी आरती करना, बहुत ज्यादा जो है गन्नू जी का ध्यान रखता है, उनकी लाइट वगैरह ऑन करना, बहुत ज्यादा उनपे क्या फूल चढ़ना है, उन्हें भोग लगाना। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जो है आज इनको ब्रेकफास्ट में हमने जो है चन्नामृत, ब्रेड रोल वगैरह, ये जो भी हम लोगों ने खुद के लिए बनाया था वो सारा कुछ जो है हम लोग इन 10 दिन में जो भी अपने घर में हमें हम लोग बनाते हैं वो सारा कुछ जो है हम अपने गन्नू भगवान जी को पहले खिलाते हैं, उसके बाद जो है हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं आरती, तो आप लोग भी आरती कर लीजिए और यहाँ पे कृष्णा और कृष्णा के पापा आरती कर ले हैं। ये जो दिन होते हैं ये बहुत ही अच्छे होते हैं, इसमें गन्नू जी को बहुत खुश करना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि सब लोगों के जितने भी कष्ट हैं, जितने भी जो भी परेशानियां हैं वो सारी दूर आ जाएं और दूर हो जाएं, और गन्नू जी हैं वो बहुत सारी खुशियां लेके आए आप सभी के लिए। और यहाँ पे जो है मम्मी भी आरती कर लेंगी बाद में, और मम्मी बाद में आप लोगों को आरती भी देंगी। तो आप लोग यही इसके थ्रू जो है कैमरे के थ्रू जो है आरती ले लीजिए, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत सारी वो आए। तो चलिए मैं भी फटाफट से यहाँ पे आरती कर लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से।
कौन कहता है कि सपने देखना बुरी बात है, सपने देखेंगे तभी तो वो पूरे होंगे, लेकिन उनके लिए हमें हमेशा मेहनत करती रहनी चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ अपना ड्रीम हाउस, जो कि हर एक औरत का सपना होता है कि हमारा घर कुछ ऐसी इस तरीके का होना चाहिए। तो हम जस्ट घूमने के लिए निकले थे इनके फ्रेंड के यहाँ पे, तो वहीं पे कुछ फ्लैट जो है हम लोग घर देख रहे हैं, तो हमने सोचा जरूर देखना चाहिए। और मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं कि किस तरीके से हर एक औरत का सपना होता है अपना घर देखने के लिए। तो कुछ मैंने थोड़ा सा शूट किया था जब हम घर अपना देखने के लिए गए, तो वही मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ये कुछ 3 BHK या 2 BHK का ये फ्लैट है, कुछ इस तरीके से है विद, अभी कुछ फर्निश वगैरह नहीं हुआ है ये। तो यहाँ पे ये रूम्स वगैरह है। कृष्णा बहुत ज्यादा खुश था, ऑब्वियस है जब हम लोग कोई घर वगैरह देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, और लेने से पहले कोई भी चीज वो देखनी ही पड़ती है, तुरंत तो नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है अपनी लाइफ का, क्योंकि हम बार बार नहीं लेते हैं, हम एक बार लेते हैं, लेकिन देखना कोई बुरी बात नहीं है। तो हम लोगों ने कहा कि चलो जब हमें लेना है हमें तो हमें देखना भी चाहिए, तुरंत तो कोई भी नहीं ले लेता है। तो यहाँ पे जो है ये बहुत ही अच्छी सोसाइटी थी जो कि इनके एक फ्रेंड ने हमें बोला, और वो वहीं पे रहते थे, तो हमने सोचा चलो जब हम यहाँ तक आए हैं तो जरूर देख लेना चाहिए। और कृष्णा मतलब बच्चों को तो एक होता है ना पार्क देखना, उनको झूले देखना, और बहुत ही अच्छा लग रहा था उसको, तो वो बहुत ज़्यादा खुश था। इवनली पार्क देख के, नॉट फॉर हाउस देख के, उसको घर देख के कोई खुशी नहीं थी। काफी अच्छा था, काफी अच्छे से इन्होंने बनाया हुआ था, काफी अच्छे वॉशरूम, जो रूम का साइज था वो भी काफी बड़ा था, तो काफी अच्छा लगा इस तरीके से। ये इसका थर्ड रूम है इसमें, अभी इसमें अलमीरा वगैरह जो है वो बनना बाकी था, तो वही इनके फ्रेंड जो है वो इनको दिखा रहे थे कि इस तरीके से है, अगर तुमको अच्छा लगा तो वाई नॉट, क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ तो तुम भी देख सकते हो। तो हमने सोचा कि हाँ चलो एक बार देख लेते हैं, देखेंगे तभी हमें पता चले। बहुत ही वेल मेंटेन्ड सोसाइटी थी, बहुत ही अच्छे से सारा ग्रीनरी वगैरह, और जहां ग्रीनरी होती वहां तो अलग से एक अट्रैक्शन आ जाता है ना, बहुत ही प्यारा था। तो यहां पे इस तरीके सा था। तो यहाँ पे ये बाहर की जो सोसाइटी है वो है। तो चलिए आप लोग एंजॉय करिए, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। Don't know how to quit thinking about you. Those green eyes, sweet lips, your hands on my hips, our puzzle pieces fit. These sheets, your smell, can't be by myself. I'm asking for your help. What I need you to do is love. Love me. What I need you to do is love me. Love me. We dance. So yahi tha आज का मेरा ब्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इस बीच में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन स्टे हैप्पी, बाय बाय।